बड़ी कार्यवाही, सरकारी गेहूं खाद्यान्न 4 लाख से अधिक कीमत के 354 बोरी गेहूं किया जब्त, आरोपी गिरफ्तार। सिंगरौली जिले के थाना जियावन पुलिस ने सरकारी राशन की कालाबाजारी के मामले में एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक मकान में छापा मारकर FCI गेहूं के 354 बोरे बरामद किए हैं। इस मामले में आरोपी युवक राम नरेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला के निर्देशानुसार जियावन थाना प्रभारी अनिल उपाध्याय अपने दल बल के साथ देवांगना निवासी राम नरेश पटेल के घर में छापा मारा। इस दौरान 354 बोरे FCI के गेहूं बरामद किए गए। ये सभी गेहूं के बोरे शासकीय राशन की दुकानों से आए थे, जिसे कालाबाजारी के उद्देश्य आरोपी ने अपने घर में रखा था। पुलिस ने अनाज से भरे बोरों को कांटा करवाया, जिसमें गेहूं का वजन 2300 क्विंटल था, जिसकी कुल कीमत 4,15,908 रुपए बताई जा रही है। वहीं गेहूं को जब्त करवाकर ट्रकों में लोड कर जियावन थाने ले आई है। जियावन पुलिस ने इस मामले में आरोपी राम नरेश पटेल पुत्र कालू राम निवासी देवगावा आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया है। यहां से आरोपी के युवक राम नरेश को जेल भेज दिया गया है। उक्त कार्रवाई में जियावन पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही। कल सूचना प्राप्त हुई श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को कि देवगांव में राम नरेश पटेल के द्वारा कालाबाजारी करके FCI गेहूँ जो उनकी दुकानों में गरीबों के वितरण के लिए आता है उसको स्टोर करके कालाबाजारी करने की कालाबाजारी की गई है। इस सूचना पर उन्होंने कार्रवाई के निर्देश दिए। तत्काल मैं पुलिस पार्टी लेके वहाँ पहुँचा तो देखा तो इस अपने घर के बरामदे में कुछ 40-50 बोरियाँ रखी थी, जिससे कुछ FCI की थी और उन बोरियों को बाजार की साधारण बोरियों में चेंज कर रहा था। उससे कारण पूछा, उसने कहा मेरा अनाज है, मैंने खरीदा है। मैं अनुकूल करता रहा, थोड़ी कड़ाई से पेश आया तो इसने फिर बताया कि हमारा ट्रक FCI का गेहूँ ढोता है और वो FCI गोडाउन से गेहूँ प्राप्त करके और गांव में ले जाके सरकारी उचित मूल्य की दुकान में उतारता है। उसी दौरान इसने उतना गेहूँ और वहाँ से फिर फ्रेश करके बचा के और अपने वहाँ गोडाउन में रखा है। गेहूँ की मात्रा कम थी और हमको मुखबिर ने ज़्यादा मात्रा बताई थी, तो मैंने और तलाश किया तो देखा कि घर का कहीं से दरवाज़ा नहीं है कमरे का, तो उसमें कारण पूछा, बोले घर गिर रहा था, कमज़ोर है, तो मैंने दरवाज़ा बंद करा दिया, चौखट टूटी थी उसकी, तो फिर एक जगह लकड़ी से ठोक ठोक के अंदाज लगाया तो एक जगह पर आवाज़ बदली बदली मिली, उस जगह को तोड़वाया गया। तोड़वाने पर उसके अंदर पूरा FCI का गेहूँ कमरे में भरा पड़ा मिला, तो उसको उससे फिर पूछा गया तो उसने कहा कि मैंने ही संग्रहित करके रखा है, तो उस गेहूँ को वहीं पर तौल का बंदोबस्त करके तौलवाया गया, तो 354 बोरियों में 23 टन के आसपास गेहूँ था वो, जिसका बाज़ार मूल्य 4,15,000 रुपये है। तो जाहिर सी बात है ये जब होता है तो उचित मूल्य की दुकान में गेहूँ न पहुँचा करके अपने घर में चुरा के रख लिया था, जो महंगा होने पर बेचता, तो उसको धारा 407, 414, 411 IPC के अंतर्गत और 3/7 अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया और वापसी पर अपराध दर्ज करके और माल की जब्ती वगैरह करके केस डायरी तैयार की गई। आज आरोपी को न्यायालय देवसर भेजा गया था, माननीय न्यायालय ने उसका जेल वारंट बनाया है और अभी राम नरेश पटेल जेल के लिए यहाँ से रवाना कर दिया। कहीं ना कहीं ये इंडियन कॉर्पोरेशन खाद्यान्न विभाग के द्वारा भी लापरवाही बढ़ती जा रही होगी। ये तो जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी मात्रा में अगर इसके पास वो गेहूँ पहुँचा जो FCI का है और शासकीय उचित मूल्य की दुकान में गरीबों के वितरण के लिए है, तो इसकी निगरानी करने में जो लोग लगे। सिंगरौली से ग्राउंड रिपोर्टर उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।